दिल्ली के अंदर इतनी तबाही मचाने वाले 84 के दंगे होने से बच गए और उसका सलूट मैं दिल्ली पुलिस को देता हूं। जो मिशन है आतंकवादियों का, जो मिशन है पाकिस्तान का, जो मिशन है आईएसआई का, जो मिशन है पन्नू का, हम मिशन पूरा नहीं होने देंगे। सिख कौम इसलिए नहीं सजाई गई कि कृपाने निकाल के बेहथों पे चला दो और कहो हम बड़े बहादुर हैं। जब ननकाना साहब के अंदर ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, जब ननकाना साहब के अंदर वहां का एक काफिर मुसलमान जिसने कहा यहां मस्जिद बना देंगे, उस वक्त ये कहां थे? और नरेंद्र मोदी जी ने मौत का कफन बांध के अभी अभी रास्ता खोला करतारपुर साहब का, एक तरफ सर्जिकल ऑपरेशन, ना सर्जिकल ऑपरेशन, जंग की तैयारी, पाकिस्तान पे हमला किया, वो कर सकता है, पर नरेंद्र मोदी जी ने किया, कुछ भी हो जाए, सिख हमारा भाई है, हमारे देश का एक अटूट अंग है। करतारपुर साहब का रास्ता खुलेगा, खुला तो खुला, काबुल के अंदर धार्मिक गुरुद्वारा ऐतिहासिक, आतंकवादी आए, गुरु ग्रंथ साहब सामने पाठ हो रहा है, आके थर 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 गोलियां चला करके, दिल्ली नेजे चलाना जानते हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं, दिल्ली ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, बसों में क्या फीम खाई थी, ट्रैक्टर मारे, क्या बस ने क्या बिगाड़ा था भैया आपका? अगर आप में हिम्मत थी प्लेन पकड़ते, आतंकघाती बन के जाते, ठीक है ना, जाते पाकिस्तान में वीजा लेके जाते और रुक जाते, छुप जाते, वो काफिर को मार के आते जिसने बेटी को अगवा किया था। बब्बर शेर दिल्ली में बन गए, ननकाना साहब में तो ऐसे हो गए। मेरी कोई वीडियो देख लीजिए, मैंने किसान के खिलाफ को बोला हो, मैं तो अब निकला हूं मैदाने जंग में जब मेरे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। भाई ये आजादी का तिरंगा झंडा है, जब मेरा झंडा, मेरे से सवाल पूछो तू कौन है, मेरे को मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। अब मैं कहूँ खालिस्तान बोलो, रोज फेसबुक पे खालिस्तान, तुहाडी ऐसी की तैसी खालिस्तान बोलो, मर जाएंगे मिट जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान एक था, एक रहेंगे, पहले भी लड़े अब भी लड़ेंगे, हिंदुस्तानी है, भारतीय है भैया हम। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना बनने देंगे। अगर सिखों पे हिंदुस्तान को विश्वास ना होता तो उनको जो जिम्मेदारी देते, जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन करके सिखों की पगड़ी, महाराज की पगड़ी को ऊँचा किया, ये है सरदार। पहली बार हुआ ऐसा कि बालाकोट में घुस करके 15 मिनट के अंदर ठोक करके वापस आ गए 500 के करीब आतंकवादी। देखो ये जो पगड़ी पे दाग लगा है ना, ये मिटेगा नहीं, हर दाग मिट जाएगा, इस पगड़ी को माफ नहीं करेगा, सच्चा हिंदुस्तानी नहीं करेगा। जो मुझे व्यक्ति या बच्चा नहीं जानता वो तो मुझे इसी निगाह से देखेगा ना, ये वो सरदार जी हैं जिन्होंने आजादी के तिरंगे झंडे का अपमान किया था। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर और जिस तरीके से जो चीजें निकल के आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने आरडीएस के हमलों तक को झेला है और इनके ऊपर 14 बार ऐसे हमले हुए हैं जो आप सोच नहीं सकते। हमारे साथ है एमएस बिट्टा जी। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। जो हरकत हुई है दिल्ली के अंदर उसे देख करके पूरे देश का और जो सिख, जितने भी सिख समाज के लोग हैं जो बाहर भी बैठे होंगे, उनका सिर तो कहीं ना कहीं झुका ही होगा। दिल्ली के अंदर इतनी तबाही मचाने वाले 84 के दंगे होने से बच गए और उसका सलूट मैं दिल्ली पुलिस को देता हूं। जिन्होंने, जो दिल्ली पुलिस है जनाब, पूरे हिंदुस्तान की दिल्ली पुलिस, यहां कोई 26/11 हो या पार्लियामेंट अटैक हो, वाकया करके चला गया 10 दिन के अंदर अंदर वापस किसी भी तरीके से, वो दिल्ली पुलिस मार खाती रही, इस पगड़ी से मार खाती रही ना। और दिल्ली पुलिस ने क्या किया, इस पगड़ी को सलूट करते रहे, मारो कितना मारते हैं, हम आपे गोली नहीं चलाएंगे। जो मिशन है आतंकवादियों का, जो मिशन है पाकिस्तान का, जो मिशन है आईएसआई का, जो मिशन है पन्नू का, हम मिशन पूरा नहीं होने देंगे। हम अपने सिर कटवा लेंगे पर किसी सरदार के ऊपर गोली नहीं चलेगी, क्योंकि ये बीच में लोग पाकिस्तान पे एक मिशन को पूरा करने आए कि 84 के दंगे हों, वो मिशन पूरा नहीं करने दिया। दिल्ली पुलिस को पता चल गया, दिमाग से काम लिया। अगर हाथ में बंदूक है तो पुलिस को ये भी सिखाया जाता है फोर्स को कि हाथ में बंदूक है तो दिमाग से भी काम लेना है। मैं उसको सलूट देता हूँ। अगर उसके बाद दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये कहे कि इनके हम फ्री केस लड़ेंगे, जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया है, तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, राजनीति मत करो। सिख पंजाब में नहीं है, सिख पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है और सिख समाज
किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, और 84 के दंगे इन्हीं गलतियों से हुए थे कि पंजाब से जब बेगुनाह लोगों को कत्लेआम किया था, 19,000 हिंदुओं को बसों से ट्रेनों से निकाल निकाल के आपने मार दिया था, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, और जिस तरीके से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ और उसके बाद दिल्ली के अंदर 84 के दंगे हुए, उसको तो कोई इंसाफ दिलवा ही नहीं पाया। उस वक्त कहाँ थी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ, उसको तो इंसाफ दिया जा तो यहाँ पे फुलका साहब थे, फुलका साहब एडवोकेट, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, उतने अपनी खून पसीने की कमाई से पैसे निकाल करके केस लड़ा और जो भी सजा मिली, और नरेंद्र मोदी जी ने को कमेटी का गठन किया। जहाँ तो उस वक्त ये काम करते, हम तो खड़े हो गए देश विरोधियों के साथ, देश की आज़ादी के तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले। तो मुझे, मेरे से एक सवाल है, मुझे बताओ किसी पुलिस की ऐसी वीडियो दिखा दो, मैंने तो पुलिस की मार खाते हुए वीडियो देखी, और पुलिस की लेडीज पुलिस, मैं हॉस्पिटल होके आया, वो लेडी पुलिस कह रही है कि नौजवान जो लड़के थे मेरे ऊपर चढ़ गए, अगर मेरे बाकी के पुलिस वाले ना लिखाते मैं तो मर जाती, छोटे छोटे बच्चे थे। सिख कौम किस लिए सजाई गई जी? मजलूमों की रक्षा के लिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई। सिख कौम इसलिए नहीं सजाई गई कि कृपाने निकाल के बेहथों पे चला दो और कहो हम बड़े बहादुर हैं, इसलिए नहीं, ये सिख कौम का अपमान किया है सबने। बेटा साहब, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस है, सरदारों की पगड़ी की रक्षा करते हुए अपने ऊपर हमले झेलती रही, और सरदारों ने जो निकाल के कृपाने और तलवारें और फरसे लेकर के उन पर हमला कर दिया। अगर यही हमला करना था तो जिस समय पाकिस्तान में जब सिख की बेटियों को जब जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन शादी करते हैं, तो उस समय ना तो यहाँ की जो कमेटी है वो निकल के आती है, ना ही ये वहाँ पर जा करके हमला करते हैं। एक बात कहूँ, अपने ना किसी को सरदार कहना है ना सिख कहना है, हिंदू भी हमारा भाई है सिख भी भाई है ना, हमने किसी को भी कहना है भाई कहना है, ऐसा लफज नहीं कहना। दूसरी सुनो, ये बहादुरी की बात करते हैं, जब ननकाना साहब के अंदर ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, जब ननकाना साहब के अंदर वहां का एक काफिर मुसलमान जिसने कहा यहां मस्जिद बना देंगे, उस वक्त ये कहां थे? ननकाना साहब जिसको हिंदू भी माने मुसलमान भी माने सिख भी माने ईसाई भी माने, अभी उनका दिन गया गुरु नानक देव जी महाराज का, और नरेंद्र मोदी जी ने मौत का कफन बांध के अभी अभी रास्ता खोला करतारपुर साहब का, एक तरफ सर्जिकल ऑपरेशन, ना सर्जिकल ऑपरेशन, जंग की तैयारी, पाकिस्तान पे हमला किया वो कर सकता है, पर नरेंद्र मोदी जी ने किया कुछ भी हो जाए, सिख हमारा भाई है, हमारे देश का एक अटूट अंग है, करतारपुर साहब का रास्ता खुलेगा, खुला तो खुला ठीक, आतंकवादी खतरनाक जिसने मेरे पे भी ब्लास्ट किया, चीफ मिनिस्टर बेन सिंह के भी और किए, वो भी छोड़ डाले क्यों? चलो सिख समाज को नरेंद्र मोदी के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं कि आतंकवादियों को छोड़ देगा? कहता ना, हमारा खून का रिश्ता है, हमारा 9 मास का रिश्ता, वो आतंकवादी भी छोड़ डाले, करतारपुर साहब भी खोल दिया, और काबुल के अंदर धार्मिक गुरुद्वारा ऐतिहासिक, आतंकवादी आए, गुरु ग्रंथ साहब सामने पाठ हो रहा है, आके थर 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 गोलियां चला करके किसी का सुहाग उजाड़ दिया, बच्चे माँ के सामने तड़प रहे हैं, पत्नी के सामने पति तड़प रहा है, खून की नदियां बह गई, कोई पूछने वाला नहीं, वहां खालिस्तानी कहाँ थे? ये दिल्ली कृपान जलाना जानते हैं? क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं, दिल्ली नेजे चलाना जानते हैं? इनको पूछने वाला कोई नहीं, दिल्ली ट्रैक्टर चलाना जानते हैं? बसों में क्या फीम खाई थी, ट्रैक्टर मारे क्या, बस ने क्या बिगाड़ा था भैया आपका? अगर आप में हिम्मत थी प्लेन पकड़ते, आत्मघाती बन के जाते, ठीक है ना, जाते पाकिस्तान में वीजा लेके जाते और रुक जाते, छुप जाते, वो काफिर को मार के आते जिसने बेटी को अगवा किया था, जिसने कहा था गुरु नानक देव जी महाराज के ननकाना साहब को मस्जिद, इसका मकबरा जो भी बनना चाहिए, है ना, बुरा ना माना को मेरे से गलत शब्द कह दिया हो तो मार के वहीं मर जाते। अगर इतने ही आप बहादुर थे, इतने कृपाने चलाने का खंडे चला रहा था ना वहां पे लाल के नाम ऐसे चला रहा था, अगर तुम्हारे में हिम्मत थी ना इतनी, तो जाता काबुल में, टिकट मेरे से ले जाता, मैं भी तेरे साथ चले जाता भैया, इस काम में अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं चले जाऊंगा भैया, मार के वहीं मर जाऊंगा, मेरे लिए इससे बड़ा, इसके बड़ी सेवा क्या होगी अगर मैं ये कर दूं, उन काफरों को वहीं जाके ठोके वहीं खत्म हो जाऊं। तो वहां आप कहां थे? कश्मीर के अंदर
आज से 8-9 साल पहले 35-40 के करीब सिखों को घरों से निकाल करके आतंकवादियों ने शहीद कर दिया। बहनों माओं के बच्चों के सबके सुहाग उजड़ गए, पिता भाई सब चले गए। वहाँ कहाँ थे भाई, कहाँ आपकी दलेरी, कहाँ आपकी शेरी थी, कहाँ बब्बर शेर थे आप? बब्बर शेर दिल्ली में बन गए, ननकाना साहब में तो ऐसे हो गए, काबुल में ऐसे हो गए। कौन लेके आया वहाँ से सिख? नरेंद्र मोदी जी लेके आए, भाई इनको जल्दी बुलाओ, वहाँ खतरा है। मोदी लेके आते हैं और फिर किसान आंदोलन से नारे निकलते हैं कि जैसे इंदिरा को ठोकी ऐसे मोदी को ठोक देंगे। ऐसी की तैसी ठोकेंगे, कैसे ठोकेंगे, ये ठोकेंगे, ये आज 1920-21 का भारत है, इंदिरा ठोक दी, मोदी को ठोकेंगे, तिरंगे झंडे का अपमान करेंगे, फलाना करेंगे, ये वक्त गुजर गए। ये कहना बड़ा आसान होता है, इन्हीं लोगों ने तो आंदोलन को तबाह किया। जो आंदोलन का लीडर था राजूआना, वो बुरा आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी है। उनका स्पीच मैंने सुना कुछ दिन पहले, कहते जी हमारे आंदोलन में कुछ गलत लोग घुस चुके हैं, लंगर में इस जगह पे घुस चुके हैं, हमें ध्यान रखने की। एक जिम्मेदार व्यक्ति ने बात तो की, एक भी भड़काऊ भाषण राजूआना साहब का मैंने नहीं सुना। आपने राजनीति करते 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 ऐसी आग लगाई, पंजाब भी बर्बाद हो गया और हमें तो हमारे सबके लिए खतरे की घंटी बजी रहती, 84 के दंगे हो गए, ये याद रखना। अब नहीं कौन रख रहा, हम केस लड़ेंगे, हम केस, क्योंकि 1.25 साल बाद चुनाव आने वाला है पंजाब में, हम केस लड़ेंगे, हम किसानों के साथ हैं। मैं किसानों के साथ तो मैं भी हूँ, मेरी कोई वीडियो देख ली है मैंने किसान के खिलाफ को बोला हो? मैं तो अब निकला हूँ मैदाने जंग में जब मेरे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। भाई ये आज़ादी का तिरंगा झंडा है, ये मेरा झंडा, मेरे से सवाल पूछो तू कौन है, मेरे को मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर चांदनी चौक के अंदर को पंजाब के लिए कुर्बानी दी थी, अपना शीश दिया था इस भारत माता को, हिंदुस्तान के लिए दी थी। क्या कहते थे, हिंद की चादर, हिंदुस्तान की चादर, मैं तो उनके सूलों पे चलता हूँ भाई। अब मैं कहूँ खालिस्तान बोलो, रोज फेसबुक पे खालिस्तान, तुम्हारी ऐसी की तैसी खालिस्तान बोलो, मर जाएंगे मिट जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान एक था एक रहेंगे, पहले भी लड़े अब भी लड़ेंगे, हिंदुस्तानी है, भारतीय है भैया हम, हमारे गुरुओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारे गुरुओं ने पंजाब के लिए कुर्बानी दी थी, इनके कानून अलग आगे, इनके असूल अलग आगे। कहीं ना कहीं बेटा साहब जो खालिस्तानी विचारधारा है उसने कहीं ना कहीं सिखों को बदनाम तो किया है कि जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब को बनाएंगे खालिस्तान, इस तरह के नारे लगे थे। तो सुनो जी, ये नारा ही मत लो, खालिस्तान ना बना था ना बनेगा ना बनने देंगे, गंदी हनेरी की तरह पहली की तरह मेरे छाननी हुए शरीर से हमारी लाशों से गुजर के चले जाएगा, देश एक है एक रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये बम खा खा करके शरीरों पे अपने दोस्त यार जवान शहीद करा के मैं जवान देता हूँ, हिंदुस्तान है एक रहेगा, इनकी क्या हिम्मत है खालिस्तान क्या बनने दिया? तो क्या बेटा साहब इसी वजह से जो कहते हैं आपके पूरा हिंदुस्तान एक है, उनकी जो विचारधारा है वो कुछ लोग हैं हो सकता है कि इस विचारधारा से ग्रस्त हों, आज कहीं ना कहीं जो हिंदू वर्ग के जो युवा हैं या फिर श्रद्धा मानने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि जो सिख थे इन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसीलिए वहाँ पर मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में भी पहुँचते हैं लोग? पहली बात तो जहाँ तक सिख समाज ने एक बहुत बड़े काम किए और हिंदुस्तान में सिख समाज को दिया भी बड़ा कुछ। हिंदुस्तान के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर दिए हिंदुस्तान ने, इस भारत माता ने, सरदार बलदेव सिंह जी, सरदार स्वर्ण सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर, एयर मार्शल अर्जन सिंह जी दिए जिन्होंने पाकिस्तान के चने चबा दिए थे, फिर हमें दिए जगजीत सिंह अरोड़ा जिन्होंने 71 की जंग जीती, एयर मार्शल और आर्मी चीफ, फिर हम दिए धनोआ जी। अगर सिखों पे हिंदुस्तान को विश्वास ना होता तो उनको जो जिम्मेदारी देते जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन करके सिखों की पगड़ी, महाराज की पगड़ी को ऊंचा किया, ये है सरदार। पहली बार हुआ ऐसा कि बालाकोट में घुस करके 15 मिनट के अंदर ठोक करके वापस आ गए 500 के करीब आतंकवादी।